आप आइए। नर्स एक्सक्यूज मी, यस, मुझे डॉक्टर सार्जन से मिलना है, वो कहाँ मिलेंगे? वो डॉक्टर नीता मेहता के रूम में है। थैंक यू, शील भी और है। डॉक्टर साहब। राजा तुम? डॉक्टर साहब काजल की तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर साहब जरा उसे देख लीजिए प्लीज। राजा ये मेटर्निटी हॉस्पिटल है और मैं यहाँ इमरजेंसी विजिट पर आया हूँ, मैं इसे यहाँ नहीं देख सकता, तुम्हें इसे मेरे क्लिनिक पर लेके आना चाहिए था। मैं वहीं गया था डॉक्टर साहब, पता लगा आप यहाँ अस्पताल में हैं। इसकी तबीयत बहुत खराब है, कुछ देर पहले तो ये बेहोश भी हो गई थी। डॉक्टर मेहता कैन आई यूज योर केबिन? जी जरूर। इस रूम में लेकर आओ। काजल आओ। राजा अच्छा हुआ तुम्हें से यहाँ ले आए, सीवियर डिप्रेशन की वजह से इसे लो बीपी हो गया, दवाइयाँ मैं लिख के देता हूँ, टाइम टू टाइम देते रहना, शील बी ऑलराइट। थैंक यू डॉक्टर। सवाल क्या? सुनिए भाई साहब, ये लड़का लड़की यहाँ क्यों आए थे? अरे साहब, मर्द अपनी औरत को उस वक्त यहाँ लाता है जब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है। मधु बेटी क्या बात है? जिनकी वजह से हमारा सुख चैन, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो तो ऐसे ऐसे जी रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। मधु बेटी, बेटी मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, एक बाप होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटा, तुम्हारी जिंदगी में फिर से बाहर आ सकती है, फिर से खिलखिला सकते हो तुम दोनों, सिर्फ अपने बाप की एक विनती मान लो, तुम दोनों घर बसा लो, शादी कर लो। डैडी, अब ना मत करना बेटी, ना मत करना, आज तक मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, क्या आज तू अपने बाप की झोली में एक छोटी सी खुशी नहीं डालेगी? प्लीज बेटी। बस डैडी, पहले ही बहुत दिल दुखा है आपका, अगर ये शादी आपको थोड़ी सी भी खुशी दे सकती है तो हम आपके फैसले से इनकार नहीं करेंगे। बेटी। मधु ठीक कह रही है डैडी, उन लोगों की बेवफाई की वजह से हम क्यों घुट घुट कर मरे, जो रिश्ता रहा ही नहीं फिर उसका मातम कैसा, हम भी उन्हें जीकर दिखा देंगे डैडी, हम भी उन्हें जीकर दिखा देंगे। अजय, जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है, आई डोंट लाइक दिस। काजल दवा पी लो। सवाल क्या हम अंदर आ सकते हैं? आओ जी बैठो। नहीं राजा, इस बिस्तर पर तो सिर्फ तू ही। कैसी बातें करते हो अजय, देखते नहीं उसकी क्या हालत है? काजल सुना है तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या फिर से मां बनने वाली हो? तो देखो ये मासूम चेहरा देखकर तो कोई भी धोखा खा सकता है, नहीं? ये कंबक चेहरा भी बहुत अजीब चीज है, आप कोई सोच सकता है कि शक्ल से इतने मासूम और भोले लगने वाले अंदर से इतने कमीने और कपटी हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, ये देखो ना, ऐसी तो मिसालें तो हमारे सामने ही हैं।
जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपना दिल, अपना जमीर तो क्या, अपनी आत्मा तक को बेच दिया है। Will you please shut up? You shut up and listen to me. हम लोग यहाँ तुम लोगों की रंग रलियों का तमाशा देखने नहीं आए हैं, बल्कि ये बताने आए हैं कि हम दोनों ने भी एक होने का फैसला कर लिया है। लेकिन फर्क होगा तो सिर्फ इतना कि हम दोनों के संबंध तुम लोगों जैसे नाजायज नहीं होंगे। ये रहा हमारी शादी का कार्ड। We are getting married. काजल, काजल, काजल दरवाजा खोलो, काजल, 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 ये तुम क्या कर रही हो, काजल, काजल नहीं, काजल नो, काजल तुम ऐसा नहीं करोगी, काजल, मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो, stop it, काजल, काजल क्या कर रही हो, काजल क्या कर रही हो, don't, तुम ऐसा नहीं कर सकती, काजल समझती हूँ, मर जाने से हमारे पर लगाए हुए इल्जाम मिट जाएंगे? नहीं काजल, नहीं, मौत इस मसले का हल नहीं है। जिन्होंने हमारी जिंदगी को इस मुकाम तक पहुंचाया है, मैं उन्हें वो सबक सिखाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। जानवरों से भी बदतर निकला। कमीना जो मेरे बेटे की जान लेने पर तुला हुआ है। अरेस्ट हिम। चलो गिरफ्तार कर लो साले को।
चलो। मेरे साथ कैसे जानवरों जैसा सलूक किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी।